इंडिया बनी टी20 वर्ल्ड कप चैंपियन, दक्षिण अफ्रीका को रोमांचक मुकाबले में 7 रन से हराया। इंडिया में आधी रात बनी दिवाली, रोहित शर्मा की टीम ने पूरा किया भारत का सपना, गेंदबाजों ने साउथ अफ्रीका के हाथों से जीत छीनी। टीम इंडिया ने 17 साल बाद जीता टी20 वर्ल्ड कप, 2007 में टीम ने जीता था पहला वर्ल्ड कप। टीम इंडिया ने पहले चुनी थी बैटिंग, कोहली ने 76 और अक्षर पटेल ने 47 रन की पारी खेली। शिवम दुबे ने तेज रफ्तार से 27 रन बनाकर स्कोर 176 पहुंचाया। साउथ अफ्रीकी स्पिनर केशव महाराज और एंड्रिक नॉर्टिया ने 2-2 विकेट लिया। साउथ अफ्रीकी टीम 20 ओवर में 8 विकेट पर बना सकी 169 रन, हार्दिक पांड्या ने 3 विकेट लिए। हेनरिक क्लासन ने 27 बॉल पर 52, डी कॉक ने 31 बॉल पर बनाए 39 रन, ट्रिस्टन स्टब्स ने 21 बॉल पर 31 और मिलर ने 17 बॉल पर 21 रन का योगदान दिया। फाइनल में शानदार पारी खेलने के बाद विराट कोहली ने इंटरनेशनल टी20 क्रिकेट से लिया संन्यास, कहा अब अगली पीढ़ी की बारी है। रोहित शर्मा ने संन्यास का ऐलान किया, कहा यह टी20 इंटरनेशनल करियर का आखिरी मैच था। टीम इंडिया को राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने दी शुभकामनाएं बधाई, पीएम मोदी बोले गांव गली मोहल्लों में आपने सबका दिल जीत लिया। टीम इंडिया की जीत पर देश भर में जश्न का माहौल दिखाई दिया, ढोल नगाड़े और पटाखों के साथ लोगों ने खुशियां मनाई। टी20 वर्ल्ड कप जीतने के बाद लोगों ने कहा कोहली की पारी और सूर्या का मैच जो कैच रहा वो मैच का टर्निंग पॉइंट रहा। टी20 वर्ल्ड कप में भारत की जीत के बाद छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में जश्न दिखाई दिया, एमपी के इंदौर में राजवाड़ा पर जमकर लोग नाचते गाते दिखाई दिए। लखनऊ समेत यूपी के कई शहरों में टीम इंडिया की जीत पर जश्न मनाया गया, अलीगढ़ सहारनपुर में जीत पर लोगों ने आतिशबाजी की। टी20 वर्ल्ड कप जीतने के बाद जश्न में डूबा पूरा देश, उदयपुर मेरठ में भी जमकर लोगों ने सेलिब्रेट किया। टीम इंडिया की जीत पर मेरठ में भी जश्न, बेगमपुर चौराहा जाम, जमकर लोगों ने आतिशबाजी की, बुजुर्ग और महिलाएं भी जश्न में शामिल हुई। लखनऊ समेत यूपी के कई शहरों में टीम इंडिया की जीत पर जश्न मनाया गया, अलीगढ़ के सेंटर पॉइंट पर सैकड़ों की तादाद में लोग इकट्ठा हुए। देश में हर तरफ लोगों पर चढ़ा जीत का खुमार, आधी रात को सड़कों पर लोग उतरे, चौराहे जाम हुए। गाजियाबाद में भारत की साउथ अफ्रीका पर रोमांचक जीत के बाद जमकर आतिशबाजी की गई, महाराष्ट्र के सोलापुर में भी लोगों ने जश्न मनाया। नेताओं पर भी वर्ल्ड कप का खुमार दिखाई दिया, भोपाल में मध्य प्रदेश के खेल मंत्री विश्वास सारंग ने सड़क पर लोगों के बीच जश्न मनाया। टीम इंडिया के खिताबी जीत के बाद बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय जश्न में डूबे हुए दिखाई दिए, इंदौर में तिरंगा लहराया। वर्ल्ड चैंपियन टीम इंडिया को पूर्व कप्तान एमएस धोनी का खास मैसेज, लिखा वर्ल्ड कप घर लाने के लिए सभी देशवासियों की तरफ से आपका शुक्रिया। अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने टीम को दी बधाई, शाह ने लिखा हमारे राष्ट्र के लिए ये गौरवशाली पल है। नेता प्रतिपक्ष राहुल ने टीम इंडिया को बधाई दी, प्रियंका गांधी ने कहा शानदार टीम इंडिया। सचिन, सौरभ, अनिल कुंबले समेत कई पूर्व क्रिकेटर्स ने टीम इंडिया को जीत की बधाई दी, सचिन का एक्स पर पोस्ट हर स्टार का जीत में योगदान रहा। टीम इंडिया ने जीता टी20 वर्ल्ड कप, कानपुर में टीम इंडिया के खिलाड़ी कुलदीप यादव के घर पर जश्न मनाया गया। टीम इंडिया की जीत पर यूपी पुलिस का इंटरेस्टिंग एक्स पर पोस्ट, लिखा भारतीय गेंदबाज साउथ अफ्रीका के लोगों का दिल तोड़ने के लिए गुनहगार। लोकसभा चुनाव के बाद पीएम मोदी आज पहली बार करेंगे मन की बात, देश के अलग अलग हिस्सों से जुड़ेंगे लोग। मन की बात कार्यक्रम के 111वां ये एपिसोड रहेगा, दिल्ली में अलग अलग जगहों पर बीजेपी नेता सुनेंगे मन की बात। प्रधानमंत्री मोदी आज पूर्व उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू के जीवन पर आधारित पुस्तकों का ऑनलाइन करेंगे विमोचन, हैदराबाद के कन्वेंशन सेंटर में कार्यक्रम होगा।
महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से पहले महाविकास आघाड़ी में मतभेद दिखाई दिया। शरद पवार ने की सामूहिक नेतृत्व को चेहरा बनाने की वकालत। AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी के खिलाफ आज VHP का प्रदर्शन। संसद में जय फिलिस्तीन का नारा लगाने का विरोध किया जाएगा। लोकसभा चुनाव में बीजेपी को यूपी से मिली हार पर उमा भारती का बड़ा बयान, कहा जरूरी नहीं राम भक्त बीजेपी को ही वोट करें। ममता बनर्जी के बयान पर भड़के राज्यपाल CV आनंद बोस, बोले मानहानि का केस करूंगा। महिला नेता के उत्पीड़न मामले में पश्चिम बंगाल के कूच बिहार में बीजेपी का प्रदर्शन, पुलिस पर उठाए सवाल। सांसद बनने के बाद पहली बार रोहतक पहुंचे कांग्रेस नेता दीपेंद्र हुड्डा, जनता को धन्यवाद देने के लिए निकाला रोड शो। बिहार में लगातार गिर रहे पुलों पर केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी का बड़ा बयान, बोले साजिश के तहत घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है। बिना नाम लिए चिराग पासवान का अपने चाचा पशुपति पारस पर हमला, बोले जिन लोगों ने गद्दारी की उनके लिए दरवाजे बंद। नीट पेपर लीक कांड में हजारीबाग से जमालुद्दीन नाम का पत्रकार गिरफ्तार किया गया है। सिटी कोऑर्डिनेटर एहसानुल हक और सेंटर कोऑर्डिनेटर इम्तियाज को मदद करने का इस पर आरोप। नीट पेपर लीक मामले में जांच तेज, गोधरा की एक विशेष अदालत ने आरोपियों को 4 दिन के लिए CBI के रिमांड में भेजा। ग्रेस मार्क्स पाने वाले परीक्षार्थियों के लिए आयोजित नीट परीक्षा के नतीजे आज आने वाले हैं। 1563 उम्मीदवारों में सिर्फ 813 छात्र परीक्षा में शामिल हुए थे। नीट पेपर लीक मामले में सियासत तेज, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान बोले कांग्रेस सदन में चर्चा नहीं चाहती। कांग्रेस नेता कुमारी शैलजा बोली राहुल ने बच्चों के भविष्य को लेकर आवाज उठाई तो उनका माइक बंद कर दिया गया, खड़गे को भी बोलने नहीं दिया गया। संसद में राहुल गांधी के माइक बंद होने पर बीजेपी सांसद अरुण गोविल बोले किसी ने माइक बंद उनका नहीं किया। केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले ने किया सरकार का बचाव, बोले पेपर लीक के मामले में हो रही है जांच। लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी सेना प्रमुख के तौर पर आज संभालेंगे पदभार, मौजूदा सेनाध्यक्ष जनरल मनोज पांडे आज हो रहे हैं रिटायर। सेना के इतिहास में पहली मर्तबा 2 क्लासमेट के हाथों में थल और नेवी की कमान, लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी और नेवी चीफ एडमिरल दिनेश त्रिपाठी ने सैनिक स्कूल रीवा से पढ़ाई की। IRS अधिकारी रवि अग्रवाल CBDT के नए चेयरमैन नियुक्त, नितिन गुप्ता का स्थान लेंगे। आज काशी में रहेंगे RSS प्रमुख मोहन भागवत, प्रांत प्रचारकों और पदाधिकारियों के साथ करेंगे मीटिंग। मथुरा में कथावाचक प्रदीप मिश्रा ने माता राधारानी मंदिर में दर्शन करके मांगी माफी, विवादित बयान के बाद प्रदीप मिश्रा से नाराज चल रहे कई साधु संत। आप और कांग्रेस का केंद्र सरकार पर बड़ा आरोप, गुजरात कांग्रेस अध्यक्ष शक्ति सिंह गोयल ने कहा भयमुक्त करप्शन का नतीजा। 12 जुलाई तक न्यायिक हिरासत में रहेंगे दिल्ली के CM अरविंद केजरीवाल, दिल्ली सरकार की आबकारी नीति में अनियमितता का आरोप है। केजरीवाल के वकील ऋषिकेश कुमार ने कहा CBI ने कस्टडी नहीं न्यायिक हिरासत में भेजने की मांग की। आप नेता दिलीप पांडे ने कहा फर्जी केस लगाकर कोशिश हो रही है कि अरविंद केजरीवाल को जेल में ही रखा जाए। दिल्ली के CM अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ प्रोटेस्ट, आम आदमी पार्टी ने देश भर में कई जगह किया प्रदर्शन। गाजियाबाद में युवक ने नानी की हत्या की, ऑनलाइन जुए की लत के चलते मर्डर किया, पैसे देने से इनकार करने पर आरोपी ने वारदात को अंजाम दिया। दिल्ली में किडनैप बच्चों को 2.5 घंटे में छुड़ा लिया गया, कार से उतर कुछ काम के लिए माता पिता गए थे, कार पार्क करने के बहाने गाड़ी में घुसा था किडनैपर। ग्रेटर नोएडा में फर्जी कॉल सेंटर का पर्दाफाश हुआ, 73 आरोपी गिरफ्तार किए गए। भ्रष्टाचार के आरोप, पासपोर्ट सेवा केंद्र से जुड़े 32 लोगों पर केस दर्ज हुआ है, CBI ने दर्ज किए हैं 12 मुकदमे। दिल्ली में सिविल सर्विस के अभ्यर्थी से 1,21,000 की ठगी हुई है, डेटिंग ऐप पर मिली लड़की का बर्थडे मनाने गया था रेस्टोरेंट। आगरा में राजमंडी स्टेशन पर चेकिंग के दौरान पकड़ी गई मोटी रकम, नोटों की गिनती के लिए मशीन मंगाई गई। अमरनाथ यात्रा जारी है, पहले दिन पहुंचे करीब 10,000 श्रद्धालु।
बेलगाम में लगातार पहुंच रहे श्रद्धालु, शनिवार शाम पहुंच गए थे दूसरा जत्था और जत्थे में शामिल 4000 से ज्यादा तीर्थयात्री। यात्रा के रूट पर अगले 3 दिन बारिश का अनुमान है, पहाड़ी रास्ते पर चलने में एहतियात बरतने के लिए कहा गया। गुजरात के राजकोट हवाई अड्डे पर दिल्ली एयरपोर्ट जैसी दुर्घटना, भारी बरसात के दौरान फर्श पर आ गिरा कैनोपी। दिल्ली समेत पूरे उत्तर भारत के कई इलाकों में लोग हो जाएं सावधान, मौसम विभाग ने अगले 4 से 5 दिन बहुत भारी बारिश की चेतावनी जारी की। दिल्ली वालों के लिए मौसम विभाग ने जारी किया है अलर्ट, कहा अगले 7 दिन तक राजधानी में हो सकती है मध्य से भारी बारिश। हिमाचल के कई हिस्सों में हुई भारी बारिश के बाद बिगड़े हालात, 2 जुलाई तक राज्य के लोगों को नहीं मिलने वाली है इससे राहत। अरुणाचल प्रदेश और असम में भी भारी बारिश से बिगड़ सकते हैं हालात, रेड अलर्ट जारी किया गया। दिल्ली में भारी बारिश के कारण मेट्रो में बढ़ी यात्रियों की भीड़, 7 लाख से ज्यादा यात्रियों ने मेट्रो में सफर किया, बना रिकॉर्ड। मुंबई के लोअर परेल इलाके में बारिश के बाद दीवार गिरने से हादसा हुआ, 8 साल की बच्ची की मौत। गुजरात के राजकोट में बारिश से हुआ बुरा हाल, सड़कें बनी दरिया, पानी भरने की वजह से शहर के हालात बिगड़े। यूपी के हापुड़ में हुई जोरदार बारिश ने बढ़ाई लोगों की परेशानी, लगातार बरसात से रेलवे अंडरपास पर भरा पानी। हापुड़ के गढ़मुक्तेश्वर में बढ़ा गंगा नदी का जल स्तर, खतरे के निशान के करीब पहुंचा गंगा का पानी। बिहार के नवादा में तेज बरसात से हाहाकार, झरने की तरह कुंड में आए पानी से आसपास मची अफरातफरी। उत्तराखंड के हरिद्वार में भारी बरसात से बरसाती नदी में आया उफान, एसडीआरएफ की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद लोगों का रेस्क्यू वहां से किया। हरिद्वार में गंगा नदी में बह गई आधा दर्जन से ज्यादा गाड़ियां, हर की पैड़ी पर बहकर आई कई सारी कारें। असम के डिब्रूगढ़ में लगातार बरसात से भारी जलभराव हुआ, बारिश का पानी सीआरपीएफ कैंप में भी घुसा।